Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. ऑलराइट गाइस, तो बॉक्स में कुछ भी नहीं था. सो बॉक्स में इतना ही जो नॉर्मल टिपिकली वो चार्जर और होता है वही है, खाली ईयरफोन नहीं मिलता सैमसंग में. और बस अभी फ़ोन को खोलते हैं, फ़ोन में देखते हैं. कैमरा थोड़ा अच्छा है कोने में एकदम, इसलिए पूरी डिस्प्ले अच्छे से दिख जाती है. एंड देन अगर हम नीचे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो होल दिख रहे चार वो स्पीकर है. एंड उसके बाजू में सी केबल का चार्जर पॉइंट. एंड देन ऊपर आते तो यहाँ पे पावर ऑफ एंड प्लस माइनस का बटन है. एंड यहाँ पे है दो ईयरफोन का पॉइंट. एंड देन यहाँ पे सेंसर. एंड बैक में बाद में बात करें तो यहाँ पे तीन कैमरा है, ठीक है. फर्स्ट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, देन मेन कैमरा 48, देन अल्ट्रा वाइड जो है 8 मेगापिक्सल का है. और यहाँ पे बाद में सेंसर जो अपने फिंगरप्रिंट का है, ठीक है. सब ये हो गई इसकी कुछ बाहर की फीचर्स. अब अंदर की फीचर्स की बात करते हैं. टेस्ट करेंगे पबजी खेल के. एंड देन कैमरा एंड इसकी म्यूज़िक साउंड कैसी है और इसमें थोड़ा बहुत फीचर है वो आपको बता. सो गाइस, अभी मेरे फ़ोन में ब्लॉक हो रहा था बट अभी चेंज होने वाला है इस फ़ोन में, ठीक है. तो चेंज सो नाउ आई एम ब्लॉगिंग M11. सो इसकी स्किन टोन आप देख लो, ठीक है. इसकी स्किन कैमरा मेरे को थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ी सी अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये देखो अभी मेरा फेस. अब मैं अपने फ़ोन से वापस दिखा दूँ. दिक्कत ये है कि इसमें अब मेरा फ़ोन में देखो अभी स्क्रीन टोन मेरा, ठीक है. थोड़ा सा जूम मतलब अच्छे से किसी के घर में भी ताक झांक सकते हो आप. म्यूजिक आवाज़ चेक करते हैं, आवाज़ कैसी है इसकी. इसके बजट के हिसाब से ओके ओके, लाइक ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है. नॉर्मली वी कैन लिसन उतनी आवाज़ है बट ठीक है. बॉलीवुड का सॉन्ग लगा देता बट बॉलीवुड का सॉन्ग लगा दिया तो कॉपीराइट आ जाएगा, मतलब टी सीरीज हमको छोड़ेगा नहीं. सो इसलिए नॉर्मली नो कॉपीराइट का एकदम छोटी सी ट्यून लगा के छोड़ दी. सो ये हो गया म्यूज़िक भी. नाउ लेट्स गो टू पबजी. सो पबजी सो गाइस, मैं पबजी खेल रहा हूँ अभी M11 में. और मैं क्लासिक नहीं खेल रहा हूँ, TDM खेल रहा हूँ. बिकॉज क्लासिक आपको पता है 30-40 मिनट का हो जाएगा, तो इससे अच्छा TDM खेलते हैं. और TDM आपको बताता हूँ मैं. सो गाइस, पबजी स्टार्ट करने से पहले अपने सेटिंग में चलते हैं. और सेटिंग में जाके अपने एकदम इसमें जो हाई होता है वो हाई में रख देते हैं और HD में रख देते हैं, क्योंकि HDR और अल्ट्रा HD इसमें चलता नहीं. सो खाली HD चलता है, तो HD में खेलते हैं अपने. सो चलो मचाते हैं अब HD में. वैसे गाइस, आप भी खेलते हो तो आपको भी मेरे साथ खेलना है. सो आप अपने आइडिया या आप मुझे मैसेज करना, हम साथ में मचाएंगे पबजी में, तोड़ेंगे बंदों को. सो कोई मेरे को कोई लैग या कुछ ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा जिसमें ये
दिक्कत हुई इस फ़ोन में। ओवरऑल मेरे को तो एकदम मज़ा आ रही थी खेलने में, और अच्छे से स्मूथली एकदम रफ चल रहा है, कोई दिक्कत की सीन नहीं दिख रही। सो आप भी पबजी खेल सकते हो अगर आपको खेलना है तो, नहीं तो वैसे भी इसमें 4 GB रैम है, कोई हैंग या लैग जैसा सीन तो होने लगा। तो ये थी पबजी में, तो भाई लूप लूप मत खेलना, लूप लूप मत बोलना, मेरे को ऐसे रेंडमली खेल रहा था मैं। इसमें बायोमेट्रिक में जाके ये अपना फेस, इसमें फेस लॉक भी है एंड देन फिंगरप्रिंट भी, ठीक है। एंड देन रुक जा रुक जा रुक जा। सो गाइस, चीज़ एक डिस्प्ले में, जैसे अपने आईफोन में मेन बार जैसे एकदम बीच से हटा देते वो चीज़ है इसमें। सो लाइक वो यहाँ पे फुल फुल स्क्रीन आप ऐप भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हाफ में कर सकते हो या पूरी स्क्रीन, जैसे ये पूरी स्क्रीन है अभी। वैसे तो फ्रंट साइड स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप, जैसे ये एकदम जूम आउट, ये नॉर्मल, एंड देन बैक करें स्क्रीन भी ऐसे। और एक नेविगेशन बार जो ये है ना, इसमें आप ऐसे रख सकते हो या ऐसे नीचे कैप्शन ऐसे कि फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन में 2 सेकेंड इसको लोड होने, ये देखो आईफोन जैसे बाद में ऐसे ऐसे हटेगा, क्लियर हो। और यहाँ जो खोने में दिख रहा है ना ये वाला, सो यहाँ से ये ऐसा आएगा गूगल का। एंड देन यहाँ से जो कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो वो बीच से हटेगा, लाइक आईफोन में जो होता है वही सेम है। सो इसमें और फीचर्स आपको खुद ही ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतना ढूंढने बैठा तो ब्लॉग कम से कम 20 मिनट का पड़ जाएगा। सो इसमें जो फीचर्स थे वो मैंने बता दी। सो गाइस, बात करते हैं इसकी कलर की, ये कलर मैंने क्यों चॉइस किया और कलर में कौन से कलर आते हैं और कितना इसके GB रैम वो है वो बताता हूँ अभी। सो कलर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये फ़ोन मैंने अपने मम्मी को दिया है, सो इट्स लाइक पर्पल, मतलब वॉयलेट कलर है, तो लेडीज़ के लिए अच्छा है। तो इसके लिए मैंने, इसमें 2 वेरियंट आते हैं, ठीक है। पहला आता है 3 GB रैम विथ 32 GB, ठीक है। दूसरा ये है जो है 4 GB रैम 64 GB, ठीक है। सो कुछ फ़र्क नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है, वो 3 GB 32 का है और ये 4 GB 64 का है, बस इतना ही फ़र्क है। अंदर का जो भी है चीज़ वो सब सिमिलर है, ठीक है। कलर भी, अंदर का जो भी फीचर्स बताए वो भी। सो दिक्कत खाली मेरे को एक खाली कैमरा में आई थी, फ्रंट में थोड़ा कलर चेंज हो रहा था, बाकी ओवरऑल तो मेरे को ठीक लगा है। फोर अपने 11-12 हज़ार में इतना बहुत है, ठीक है। तो अपने भी यूज़ कर सकते हैं, अगर अपने मम्मी को दे रहे तो भी बेस्ट है। अपनी बहन ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकते क्योंकि उनको सेल्फ़ी अच्छी लगती है, सेल्फ़ी में इनकी कलर एडिटिंग थोड़ी सी बेकार हो रही है, सो अच्छा नहीं लगेगा। तो बाकी ओवरऑल अच्छा है। और गाइस, तो बस ये सस्ते से फ़ोन का रिव्यू था, आई होप अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम रिव्यू किया है। मेरे को पता है इतने अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं किया है, बट क्योंकि थोड़ा हवा आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ और फर्स्ट टाइम किया तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत भी हो रही है, क्या बताना चाहिए कैसे बताना चाहिए। बट मेरे को जो जो चीज़ मेन थी वो मैंने बता दी, लाइक कैमरा, म्यूज़िक एंड पबजी, मतलब जो गेमिंग के लिए क्या है कि नहीं है। सो वो मेरे को लगा वो मैंने आपको बता दिया। तो उस बेसिस पर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा हो तो यू कैन टेक, और ये अमेज़ोन में भी अवेलेबल है या आपके आसपास की कोई शॉप है इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी अवेलेबल है। सो यू कैन गिफ्ट या आप खुद यूज़ कर सकते हो, आप चॉइस कर लेना। सो बस ये आज के ब्लॉग में इतना ही था, और इसके नीचे एक छोटा फ़ोन और है, मतलब ये 10, मतलब ये तो 13 का है, इसके नीचे एक फ़ोन और है मेरे पास, उसका भी आपको चाहिए रिव्यू करूँ मैं तो भी मुझे कमेंट या मेरे को मैसेज कर देना, मैं कर दूँगा। एंड आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देट आपको अच्छा लगा हो, अच्छा तो लग गया होगा शायद, नहीं लगा हो तो डिसलाइक मार देना और अच्छा लगा तो लाइक मार देना, बट दोनों ही नहीं मार दो एटलीस्ट कमेंट करके चला जाना अच्छा भरा बुरा जो भी है, ठीक है। सो अभी मैं मिलता हूँ आपको इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, या तो रिव्यू में या कोई आउट ऑफ माई ब्लॉग में मिलता हूँ। टिल देट बाय बाय, टेक केयर।